दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को पहले वनडे में हराकर आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में नंबर वन बनने के लिए धोनी ने घोषित की खतरनाक प्लेइंग 11। पांच बड़े खिलाड़ियों को टीम से फेंका बाहर तो वहीं पांच नए धुरंधरों को टीम में किया शामिल। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाली सीरीज की सारी जानकारी इस वीडियो में, जैसे कब खेली जाएगी भारत और ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज, कितने बजे शुरू होंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के मैच, भारत और ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग फ्री में कहां देखें, भारत और ऑस्ट्रेलिया के वनडे मैच हेड टू हेड मुकाबले अभी तक कब खेली जाएगी, कहां खेली जाएगी ऑस्ट्रेलिया और भारत वनडे सीरीज, भारत और ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के वेन्यू कौन कौन से हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का लाइव ब्रॉडकास्ट चैनल कौन सा है। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली वनडे सीरीज का बताएंगे पूरा शेड्यूल इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों इससे पहले, आप भी रोहित शर्मा को शानदार कप्तान और खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया खिलाफ वर्ल्ड कप 2023 से पहले तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी। दोस्तों यह वनडे सीरीज 22 सितंबर से 27 सितंबर के बीच खेली जाएगी। दोस्तों यह वनडे सीरीज टीम इंडिया की वर्ल्ड कप से पहले आखिरी तैयारी होगी। दोस्तों यह वनडे सीरीज भारत में ही खेली जाएगी। दोस्तों भारतीय टीम एशिया कप खेलने के पाँच दिन बाद ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस वनडे सीरीज में भिड़ेगी। तो वहीं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया टीम साउथ अफ्रीका के दौरे पर T20 और वनडे सीरीज खेलने के बाद भारत के खिलाफ इस वनडे सीरीज में उतरेगी। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज 3-0 से जीती तो वहीं वनडे सीरीज 3-2 से हार गई। तो वहीं दोस्तों भारतीय टीम जहाँ 17 सितंबर को एशिया कप फाइनल में श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर खिताबी जीत के बाद पूरे आत्मविश्वास के साथ इस सीरीज में उतरेगी। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया की इस सीरीज में तीन वनडे और पांच T20 मैच खेले जाएंगे। इनमें से तीन वनडे मैच वर्ल्ड कप 2023 से पहले खेले जाएंगे तो वहीं दोस्तों पांच T20 मैचों की सीरीज वर्ल्ड कप के ठीक बाद 23 नवंबर से शुरू होगी और आखिरी T20 3 दिसंबर को खेला जाएगा। दोस्तों यह T20 सीरीज 2024 T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए अहम होगी। दोस्तों भारतीय टीम के पास जहां एशिया कप के मैच 4 दिन बाद शुरू हो रही इस सीरीज से वर्ल्ड कप के पहले आखिरी सर्वश्रेष्ठ टीम तलाशने का मौका होगा, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया टीम में मिशेल स्टार्क, पैट कमिंस और स्टीव स्मिथ की वापसी हो गई जो चोटिल होने की वजह से साउथ अफ्रीका सीरीज में नहीं खेले थे। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे मुकाबला 22 सितंबर शुक्रवार मोहाली दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा, तो वहीं दोस्तों दूसरा वनडे मुकाबला रविवार 24 सितंबर इंदौर दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। तो वहीं दोस्तों सीरीज का आखिरी और तीसरा वनडे मुकाबला 27 सितंबर बुधवार राजकोट दोपहर 1:30 बजे खेला जाएगा। दोस्तों आप भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सभी वनडे मैचों का लाइव प्रसारण टीवी पर स्पोर्ट्स 18 तो वहीं फ्री में DD स्पोर्ट्स पर देख सकेंगे। तो वहीं दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सभी वनडे मैचों का लाइव मोबाइल में जियो सिनेमा पर बिल्कुल फ्री में देख सकेंगे। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज भारत में ही खेली जाएगी। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 146 वनडे मुकाबले खेले गए हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 82 जीते हैं जबकि भारत ने 14 मुकाबलों में ही जीत हासिल की है जबकि 10 मैचों के लिए कोई परिणाम नहीं निकला। दोस्तों BCCI ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा 18 सितंबर को की। दोस्तों पहले दो वनडे के लिए रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह को आराम देते हुए KL राहुल को कप्तान और रविंद्र जडेजा को उप कप्तान बनाया गया है। तो वहीं दोस्तों तीसरे वनडे के लिए रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह को टीम में चुना गया है। दोस्तों पहले दो वनडे मैचों के लिए भारतीय टीम इस प्रकार है, KL राहुल कप्तान, रविंद्र जडेजा वाइस कप्तान, ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, सुरेश अय्यर, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, ईशान किशन, शार्दुल ठाकुर, वॉशिंगटन सुंदर, आर अश्विन, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा खेलते नजर आएंगे। तो वहीं दोस्तों भारत की तीसरे और आखिरी वनडे मैच के लिए टीम इस प्रकार है, रोहित शर्मा कैप्टन, हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन,
विराट कोहली, शुभमन गिल, सुरेश अय्यर, के एल राहुल, रविंद्र जडेजा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, आर अश्विन, कुलदीप यादव, जसवीर बुमराह, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज। तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया वनडे टीम की बात करें तो वह इस प्रकार है। पैट कमिंस कैप्टन, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, मिशेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरून ग्रीन, मार्नस लबुसेन, सम्पेंसन जॉनसन, जोश इंग्लिश, जोश हेजलवुड, नाथन लियोन, एलेक्स कैरी, सीन एबॉट, तनवीर संघा, मैथ्यू शॉर्ट, मिशेल स्टार्क, मार्कस टोइनिस, एडम जंपा। दोस्तों आपको क्या लगता है, भारतीय टीम वनडे में ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएगी या नहीं? तो साथ यह भी बताइए कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीत पाएगी या नहीं। प्लीज़ अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।